Assalamu alaikum students, welcome to the 30th lecture of Software Design and Architecture. Software Design and Architecture is a CSE 303 course where our focus has been on the design stage of the software development life cycle. We've looked into the architectural elements, architectural phases, architectural styles. We've covered the interface design, and then we shifted to the detailed design phase in which we have looked at the UML design. We've seen various UML diagrams corresponding to the analysis phase and the detailed design phase, and then we've shifted to the architectural patterns. So in the previous few lectures, that's what we have been covering. We have been looking at the architectural patterns. ठीक है, तो architectural patterns में हमने क्या किया कि हमने GOF patterns study किए. ठीक है, आई एम सॉरी, डिज़ाइन पैटर्न्स में हमने ये किया कि हमने GOF पैटर्न स्टडी किए, गैंग ऑफ फोर पैटर्न स्टडी किए. अच्छा, गैंग ऑफ फोर पैटर्न्स का नाम गैंग ऑफ फोर पैटर्न्स क्यों है? क्योंकि ये चार ऑथर्स ने मिल के बनाई थी. ठीक है, देयर वर फोर ऑथर्स, फोर पीपल हु क्रिएटेड दिस. उन्होंने मिल के ये एक पैटर्न्स पब्लिश किए. ठीक है, और इन पैटर्न्स के पहले तो इन्होंने इनकी तीन कैटेगरीज दे दी. हमारे पास क्रिएशनल है, हमारे पास बिहेवियरल है, और हमारे पास स्ट्रक्चरल है. फिर इन पे स्कोप्स भी डिफाइन करती है कि कौन से क्लास स्कोप के हैं और कौन से जो हैं वो ऑब्जेक्ट स्कोप के हैं. ठीक है, फिर उनके रेफरेंस से इन्होंने इनकी डिफरेंट पैटर्न्स बनाए. क्लास स्कोप के डिफरेंट क्रिएशनल पैटर्न्स हैं, ऑब्जेक्ट स्कोप के डिफरेंट क्रिएशनल पैटर्न्स हैं. फिर इन पैटर्न्स की डिटेल्स दे दी कि ये कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, इनका सोल्यूशन किस तरह से बनाना है और कैसे नहीं बनाना. ठीक है, ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन. और फिर व्हाट वी डिड वाज के हमने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स को खोला, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स को देखा सबसे पहले, और उसके अंदर हमने दो पैटर्न स्टडी किए. एक तो हमने अडाप्टर पैटर्न को स्टडी किया और दूसरा हमने फिकेट पैटर्न को स्टडी किया. ठीक है, अडाप्टर पैटर्न में हमने क्या देखा कि अडाप्टर पैटर्न क्या है कि जब आपके पास एक प्री एग्जिस्टिंग कॉम्पोनेंट है और एक कॉम्पोनेंट थोड़ा रिसेंटली डेवलप्ड है, अभी बनाया है, या अपना कंपोनेंट है, पहले बनाया था लेकिन अपना कंपोनेंट है, एंड यू वांट दिस टू इंटरैक्ट. ठीक है, एक एप्लीकेशन है जिसको किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करना है. यू ओन वन ऑफ दीज एप्लीकेशंस. आपकी एप्लीकेशन को किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंटरफेसेस हैं इन दो एप्लीकेशंस के बीच में, दीज इंटरफेसेस आर नॉन कम्युनिकेटिंग इंटरफेसेस. ठीक है, इंटरफेसेस की डेफिनेशंस डिफरेंट है. अब प्लीज रिमेम्बर कि यहाँ इंटरफेस कहते किसको हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट, छोटी सी बात है लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब इंटरफेस का लफ्ज इस्तेमाल हो तो आपको क्लियर हो कि इसका मीनिंग क्या है. जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, यूजर के हिसाब से इंटरफेस की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर की जो शक्ल आपको नजर आती है कि एक टूल बार दी हुई है, कुछ लेफ्ट पे दिया हुआ है, कुछ राइट पे दिया हुआ है, ये हमारे पास यूजर इंटरफेसेस होते हैं. ठीक है, और फिर और इंटरफेसेस कौन से होते हैं? हार्डवेयर इंटरफेसेस होते हैं या सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस होते हैं. ठीक है, हार्डवेयर इंटरफेसेस क्या करते हैं? हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि अगर ए वाली की मैं कीबोर्ड पे दबा दूंगी तो उसके सिग्नल को रीड करके कैसे ट्रांसलेट करना है कि ये ए प्रेस हुआ था. इसी तरह बी की दबा दूंगी तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना है कि ये बी प्रेस हुआ था. दैट स्टफ वो हमारे जो हार्डवेयर से कम्युनिकेशन के लिए जाए. इसी तरह सॉफ्टवेयर भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सॉफ्टवेयर भी डाटा शेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर, उधर से इधर लेकर आते हैं. ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है दैट्स थ्रू दी सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस. और जब सॉफ्टवेयर में इंटरफेसेस की बात आती है तो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ या एक सेट ऑफ फंक्शंस आता है. ठीक है, आप अपने एक सॉफ्टवेयर को एक लाइब्रेरी की तरह कंसिडर कर लें. ठीक है, जैसे C++ की लाइब्रेरीज होती हैं या सी की लाइब्रेरी होती है, हैश इंक्लूड है, हम उसके साथ stdio डालते हैं या कॉनियो डालते हैं और फिर कॉनियो के फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, फिर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio के फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग वाली ऊपर लाइब्रेरी डालते हैं string.h और फिर नीचे स्ट्रिंग वाले फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं. तो ये ऐसे ही कंसिडर कर लें कि आपके पास जैसे एक लाइब्रेरी हो और लाइब्रेरी के फंक्शंस आपको दिए हुए हों. तो जब तक उन फंक्शंस की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, आप उन फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते. तो सॉफ्टवेयर के इंटरफेसेस की जब बात आती है तो वही फंक्शंस का सेट हमारे पास आता है, वही फंक्शंस की एक डिटेल आती है, एक हमारे पास लाइब्रेरी की डिटेल आती है जो हर सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमें दी हुई होती है. हमें ये बताया होता है ये फंक्शंस,
इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे 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 एक्सेस करने हैं, ठीक है। APIs अभी इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस जो है हमारे इंटरफेसेस का लफ्ज उनके साथ भी इसीलिए लगा हुआ है कि APIs यही करती हैं कि आपको एक सेट ऑफ इंटरफेसेस दे देती हैं, आपको एक सेट ऑफ फंक्शंस दे देती हैं कि जो इंटरफेसेस हैं हमारे टू योर एप्लीकेशन, आप इंसानों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, यू विल टॉक टू ऑल ऑफ दीज, आप तब इनको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको ये फीचर्स ये फंक्शंस के पता हो, और फंक्शंस में फंक्शन का नाम, फंक्शन के पैरामीटर, रिटर्न टाइप, हर चीज पता, ठीक। तो अडाप्टर में हम ये बात कर रहे थे कि कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए कि हमारे इंटरफेसेस नॉन कम्युनिकेटिंग है, ठीक है, एक का फंक्शन उस फॉर्मेट में डाटा नहीं प्रोड्यूस करता जिस फॉर्मेट में दूसरे के फंक्शन को चाहिए, एक की सारी कम्युनिकेशन इंटीजर्स पे होती है और एक की सारी कम्युनिकेशन फ्लोट्स पे होती है, तो फिर हमें एक सेंट्रल चीज चाहिए जो दो नॉन कम्युनिकेटिंग इंटरफेसेस को अडॉप्ट कर सके, एक सेंट्रल ऐसी चीज चाहिए जो एक ऐसा पहले वाले के इंटरफेस को भी कन्वर्ट कर ले, पहले वाले के इंटरफेस से कम्युनिकेट करके किसी उस चीज को कन्वर्ट कर ले और फिर उसकी कन्वर्जन के रिजल्ट्स जो है वो दूसरे वाले इंटरफेस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो दैट वॉज द अडाप्टर पैटर्न। हमारे पास जो दूसरी चीज यहाँ अवेलेबल थी दैट वॉज फिकेड पैटर्न, ठीक है। फिकेड पैटर्न में क्या है, हमारे पास यू गॉट वन क्लाइंट एंड यू गॉट अ सब सिस्टम, यू गॉट अ सिस्टम और यू कैन कॉल इट अ सब सिस्टम। Now, the client has to communicate with quite a lot of classes in the subsystem. And the problem is, this communication with all of the classes of the subsystem is making complete design very complex, okay? The implementation very complex. It's causing high coupling, and high coupling leads to a whole set of new problems, okay? Musibat kya hai? System to exist kar raha hai, chal bhi raha hai, chal theek bhi raha hai, problem bhi nahi hai. फिर भी मसला क्या है कि कम्प्लेक्स है, आपके क्लाइंट को बहुत सारी क्लासेस का रेफरेंस रखना पड़ा, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस का रेफरेंस रखना पड़ा है, और अब इस रेफरेंस की वजह से जो है इनकी कपलिंग बहुत हाई हो रही है, जब इनकी कपलिंग बहुत हाई हो जाती है तो उससे एक पूरे नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स निकल आते हैं, ठीक है। उससे अब ये मसला हो जाएगा कि अगर एक की मॉडिफिकेशन दूसरे को इफेक्ट करेगी, डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, ठीक है, और दूसरा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम क्लाइंट को देना भी नहीं चाहते, क्लाइंट को हर हर क्लास की इन्फॉर्मेशन होगी तो वो हर हर क्लास का डाटा मैनिपुलेट भी कर सकता है, ठीक है, तो वो वाले इश्यूज भी आ जाएंगे कि हमारी उससे सिक्योरिटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, फिकेड पैटर्न लगा देते हैं, और फिकेड पैटर्न क्या करता है, एक सेंट्रलाइज यूनिफाइड इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, एक सेंट्रलाइज यूनिफाइड इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है। ये यूनिफाइड इंटरफेस आपका कम्युनिकेशन का चैनल बना देगा, योर क्लाइंट वुड कम्युनिकेट ओनली विद द फिकेड क्लास एंड द फिकेड क्लास वुड कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ द रेस्ट ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लासेस ऑफ योर सब सिस्टम। सो द फिकेड क्लास इज द गेट वे थ्रू विच द क्लाइंट कम्युनिकेट्स विद द सब सिस्टम। अब क्लाइंट को सब सिस्टम की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो उसको स्टोर करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्लाइंट को अब हर हर क्लास का रेफरेंस रखने की जरूरत नहीं है, हर हर क्लास की डिटेल रखने की जरूरत नहीं है। उसने क्या किया, वेरी सिंपली उसने फकेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट अपने पास एज रेफरेंस रख लिया और फकेट क्लास के जो फंक्शन हैं उनको एक्सेस कर लिया। अच्छा, अब फकेट क्लास के जो फंक्शन हैं, फकेट की जो अपनी क्लास है वो सब सिस्टम की इंडिविजुअल क्लासेस की इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है, फकेट की जो उसकी अपनी क्लास थी उसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है जो हमारे सब सिस्टम की जितनी भी क्लासेस थी इन सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए, ठीक है, अल्फा बीटा चार्ली, तो इन सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इसके पास पड़े हुए और ये इन ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस से इनको हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो हैंडलिंग अभी भी उतनी है, सब सिस्टम अभी भी इसी तरह है, काम जो जो क्लासेस कर रही थी वो कम नहीं हुई, पहले भी तीन क्लासेस थी अब भी तीन क्लासेस हैं, एक उल्टा एक्स्ट्रा क्लास हमारे पास आ गई है फिकेड वाली क्लास, लेकिन इसने जो क्या किया है कि अंदर की सारी चीजों को शील्ड कर लिए, ये एक तरफ रखते हैं, बाहर की क्लाइंट की चीज एक तरफ रखते हैं, तो अब दोनों जो हैं वो अपने अपने एरियाज के अंदर सेपरेट हो गए, ठीक है, अब क्लाइंट जो है वो खाली इधर तक एक्सेस रखता है, इधर तक एक्सेस नहीं रखता, अब उसको इनसे सरोकार नहीं, इनकी डिटेल सारी संभालना जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट का काम है, ठीक है,
ये इसी तरह ही है कि आपके पास बहुत सारी वर्कफोर्स हो, आपने जो है डेली वेजेस के ऊपर बहुत सारे लोग रखे हैं जो आपकी इमारत को तमीर कर रहे हैं, तो अब आप जो है वो इंस्टेड ऑफ कि वो सारे कारपेंटर से अलग बात करें और प्लम्बर से अलग बात करें और किसी और से अलग बात करें और फिर उन सारों की कॉम्बिनेशन से आपकी इमारत बन रही है, आपने एक सेंट्रल ठेकेदार रखते हैं और उस ठेकेदार ने ये किया है कि वो सारे अपने लोगों को खुद हैंडल कर लेता है। ठीक है, आपने सिर्फ ठेकेदार को नक्शा बता दिया कि ये मुझे चाहिए, इतने टाइम पीरियड में चाहिए, इस तरह इस तरह इस तरह चाहिए, डिटेल्स उसने खुद हैंडल कर ली, तो काम अभी भी अलग अलग वाले बंदे ही कर रहे हैं, काम उन्हीं का है वही करेंगे। ठीक है, एक सेंट्रल क्लास से या एक सेंट्रल उससे फायदा क्या हो गया कि हमारे क्लाइंट के लिए चीजें सिंप्लीफाई हो गई, इजियर हो गई, बेटर हो गई। आज का हमारा मकसद क्या है, स्ट्रक्चरल हमने देख लिया, क्रिएशनल को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स देखें और क्रिएशनल में हमारे पास जो दो कॉमन पैटर्न्स हैं, एक सिंगलटन पैटर्न और एक बिल्डर पैटर्न, इन दोनों की डिटेल्स हम देखते हैं। ठीक है, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स क्या होते क्या हैं, ठीक है, लेट्स बिगिन, शुरू से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स क्या थे, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स आर कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, तो क्रिएशनल पैटर्न्स वो हैं जो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कब क्रिएट होंगे, किस फॉर्मेट में क्रिएट होंगे, इन सारी डिटेल्स को हैंडल करना क्रिएशनल पैटर्न्स का काम है। ठीक है, अब तक कि आपको थोड़े थोड़े सी बात समझ में आने लग गई होगी, जिस तरह स्ट्रक्चरल पैटर्न थे और उन्होंने बता दी कि ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट कैसे होंगी, डॉक्टर ने बता दिया, ये कंपोजिशन से रिलेटेड थे ना, तो एक पैटर्न ने डायरेक्टली बता दिया कि अच्छा कैसे कंपोज करो, सिस्टम कैसे कंपोज हो, सिस्टम तीन एलिमेंट से कंपोज हो, लेगेसी सिस्टम से, अडाप्टर से और क्लाइंट से। ठीक है, अडाप्टर, अडाप्टी एंड द क्लाइंट, योर सिस्टम शुड बी कंपोज ऑफ दीज थ्री। ठीक है, और स्ट्रक्चरली इनको कैसे प्लेस होना चाहिए कि अडाप्टर शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन द अदर टू सिस्टम सो इट मेक्स देम कम्युनिकेट। अगेन फकेट में भी हमने ये बता दिया कि कॉम्पोजिशन हमारी चीजों की एलिमेंट्स की क्या होगी, कि एक आपका क्लाइंट होगा, एक फकेट होगा, एक सबसिस्टम होगा। ठीक है, फकेट बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा, सबसिस्टम जो है उससे कम्युनिकेट करना फकेट का काम है, और क्लाइंट से कम्युनिकेट करना अगेन फकेट का काम है। क्लियर, तो उससे हमें जो है ना स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन मिल गई, स्ट्रक्चरिंग की बात हो रही थी, स्टैटिक वाली बातें हो रही थी सारी, कि क्या चीज किधर प्लेस करो, एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। तो इसी तरह हमारे पास इस तरह के पैटर्न्स मौजूद हैं जो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन से एसोसिएटेड हैं, जो आपको ये बता देंगे कि ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट करना है कब करना है, कैसे करना है, अंडर व्हाट पैरामीटर्स, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस करना है, किस स्टेट में करना है। ठीक है, अब क्रिएशनल पैटर्न्स में वी हैव गॉट टू कैटेगरीज, द क्रिएशनल क्लास पैटर्न्स व्हिच डिफर सम पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन टू सब क्लासेस। ठीक है, अब ये सब क्लासेस की बात हो रही है, तो ये कौन सी सब क्लासेस की बात हो रही है, ये इनहेरिटेंस वाली सब क्लासेस की बात हो रही है, ये उस आइडिया की बात हो रही है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास पेरेंट क्लास में अवेलेबल है और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास चाइल्ड क्लासेस में अवेलेबल है। ठीक है, पेरेंट क्लास वाली जितनी इन्फॉर्मेशन है वो चाइल्ड क्लासेस में भी एक्सेसिबल है, और चाइल्ड क्लासेस इसके अलावा कुछ एडेड फंक्शनैलिटीज या फीचर्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब क्लास लेवल पैटर्न्स क्योंकि फुली डायनामिक नहीं होते, ये कंपाइल टाइम पे आधे से ज्यादा चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट करके रख लेते हैं, कंपाइल टाइम पे एक ही बार डिसाइड हो जाता है कि कौन कौन सी जो हैं चीजें किस तरह से चलेंगी, रेफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स के। तो जब हम क्लास पैटर्न्स की बात करते हैं क्रिएशनल पैटर्न्स में, तो इसमें फिर इनहेरिटेंस के थ्रू जो है हम ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन को डिफर कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे पहले भी एक एग्जांपल हम बहुत सारे उसमें देखते आए हैं कि अगर आपके पास शेप की एक क्लास है और ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसकी डिटेल्स नहीं दी हैं, तो फिर ये यूजर की मर्जी पे होगा कि वो सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे या रेक्टेंगल का करे या ट्रायंगल का करे। ठीक है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, दिस इज ऑल ही हैज, आइदर दिस और दैट और दिस। ठीक है, और इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी इसके पास कोई नहीं है सिवाय शेप के, तो वो शेप की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसके रेफरेंस से इन तीन में से किसी एक को क्रिएट करता है और इन तीन में से किसी एक को यूज करता है। तो जब आप इस तरह कर रहे हैं
कि आप इनहेरिटेंस से एक पेरेंट पेरेंट क्लास के रेफरेंस से चाइल्ड क्लासेस में से कौन से क्लास की क्रिएशन करनी है, कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट की क्रिएशन करनी है, किसकी नहीं करनी. जब हम वो वाले काम कर रहे हैं तो फिर हम क्रिएशनल क्लास पैटर्न्स में जा रहे हैं. ठीक है, दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्रिएशनल ऑब्जेक्ट पैटर्न्स. ठीक है, ये तो क्लासेस की बेस पे था, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर इस क्लास का आएगा, क्लासेस की बेसिस पे था. दूसरा तरीका ये है कि हम ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे बनाएं, कि एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है. ठीक है, किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया. सेम क्लास भी हो सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही क्लास अपनी ही क्लास के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो. ठीक है, और ये भी हो सकता है ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक क्लास किसी दूसरी डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन ऐड कर रही हो. तो जो इनहेरिटेंस में तो क्लासेस की बेसिस पे था और वो भी क्लासेस की प्लेसमेंट, क्लासेस के रिलेशनशिप, क्लासेस की इनहेरिटेंस की बेसिस पे था. ऑब्जेक्ट्स में इस तरह नहीं है, ऑब्जेक्ट्स में कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकता है कि कब ऑब्जेक्ट की क्रिएशन होनी है और किस फॉर्मेट में उसकी क्रिएशन होनी है. अच्छा, अब इसी इसी कैटेगरी में, इसी हमारी जो क्रिएशनल पैटर्न्स हैं उनकी कैटेगरी में जो पहला हमने आज जो पहली बात या पहली चीज़ हमने देखनी है, दैट इज़ द सिंगलटन पैटर्न. ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं कि इस सिंगलटन पैटर्न, खाली इसके नाम से कोई चीज़ आपके दिमाग में आती, सिंगलटन पैटर्न. ठीक है, सिंगलटन ये अब जैसे अडाप्टर वाली क्लास थी, अडाप्टर वाला पैटर्न था सॉरी, उससे भी तो आपको ऑलरेडी एक बात पता चली थी, अडाप्ट कर रहा होगा किसी चीज़ को, मतलब जैसे रियल वर्ल्ड में अडाप्टर होते हैं, कहते ही उनको अडाप्टर है, तो वो भी दो चीज़ों के बीच में ऐसी कनेक्शन बना रहे हैं कि अडाप्ट कर लो इसको इस पर. फकेड इसी तरह था, फकेड का इंग्लिश वर्ड का मीनिंग ही ये इल्यूजन क्रिएट करना. ठीक है, वो इल्यूजन एक सिंपल एक एक चीज़ की इल्यूजन क्रिएट कर रहा था जबकि पीछे पूरा सब सिस्टम था. आपको लग ये रहा था कि एक बटन इसको ऑन करने से या इसको ऑफ करने से जो है वही सारे सारी चीज़ें चल जाती, जबकि उन सारी चीज़ों के लिए पीछे अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग एस्पेक्ट्स थे. तो इसी तरह सिंगलटन का जो हमारा जो पैटर्न का नाम है, इससे क्या सिग्निफाई होता है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट की क्रिएशन को इन्फोर्स करता है. ठीक है, हमारा सिंगलटन पैटर्न क्या है, सम क्लासेस हैव कंसेप्चुअली वन इंस्टेंस. कुछ इस तरह की क्लासेस हैं जिनका एक ही इंस्टेंस होना चाहिए, जिनका एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वन इंस्टेंस, दैट्स इट. ठीक है, जब हम ये बात इन्फोर्स कर रहे होते हैं, अच्छा आप देखें क्लासेस के इंस्टेंस किस तरह से बनते हैं. ठीक है, मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट. ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और तीन चार पैरामीटर्स हैं, और एक इसका कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया स्टूडेंट. ठीक है, और एक डिस्प्ले का चलें फंक्शन हमने बना दिया. ठीक, तो अब इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो आप कैसे करेंगे, मेन में जाके हम कहीं ऐसा करेंगे कि लिख देंगे स्टूडेंट जो क्लास का नाम है और S1. ठीक है, स्टूडेंट S1, ये बात चलाई, इसके साथ फिर मैंने लिख दिया S1 से उसका रेफरेंस तो क्रिएट हो जाएगा, मेमोरी नहीं अभी एलोकेट हुई, न्यू स्टूडेंट और ये. ठीक है, अब ये जो न्यू वाली स्टेटमेंट है ये मेमोरी एलोकेट करा देंगे. इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि स्टूडेंट का S1 बना है आपके पास ऑब्जेक्ट जिसको कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट हो गई है. ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ इसका एक और ऑब्जेक्ट बना दें, कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसीजर, दोबारा यही लिखो स्टूडेंट, आपके ऑब्जेक्ट का नाम S2 रख दो इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट. दो ऑब्जेक्ट्स बन गए, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड. ठीक है, तो अब एज लॉन्ग एज के मेरे पास ये वाली चीज अवेलेबल है, मुझे क्लास का नाम पता है, मुझे कंस्ट्रक्टर का पता है, मुझे ये पता है कि कंस्ट्रक्टर को कौन सा पैरामीटर पास करना है, मैं क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना सकती हूँ.
चाहे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं चाहे मैं 100 ऑब्जेक्ट्स बनाऊं, ठीक है, दैट्स नॉट एन इश्यू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अब सिंगलटन उन प्रॉब्लम्स के लिए कि जब क्लास को फोर्स करना हो कि एक से ज्यादा इंस्टेंस नहीं बनाओ. सम क्लासेस हैव कंसेप्चुअली वन इंस्टेंस, कुछ इस तरह की क्लासेस होती हैं जो बाय कॉन्सेप्ट उनका एक ही इंस्टेंस होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, डाटाबेसिस का सब्जेक्ट आप लोग पढ़ कर आए हैं. डाटाबेसिस के अंदर क्या होता है कि हमने डाटाबेस में कुछ रीड या राइट करना होता है. ठीक है, डाटाबेसिस में कोई इन्फॉर्मेशन कुछ हमने रीड या राइट करनी है. अब इस डाटाबेस में इन्फॉर्मेशन रीड या राइट करने के लिए हमारे पास एक डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बनता है, डीबीओ का ऑब्जेक्ट बनता है. ठीक है, हम इसके रेफरेंस से अपनी एसक्यूएल कमांड्स लिखते हैं और इसके रेफरेंस से वो रन करते हैं. अब अगर एक ही टाइम पे डीबी के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएं तो फिर क्या होएगा, ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट नहीं होगी, क्लैश अकर होएगा. ठीक है, सिंपलर एक इसकी वो ले लो कि अगर आपने हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा रीड या राइट करना, ठीक है, हार्ड डिस्क का एक रीडर या एक राइटर असाइन होता है, एक से ज्यादा नहीं होता. ठीक, फर्ज करो मैंने दो हार्ड डिस्क के राइटर बना दिए, मैंने यहाँ पे खोली हुई थी एक वर्ड की एप्लीकेशन और यहाँ मैंने खोली हुई थी एक एक्सेल की एप्लीकेशन. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट किसी जो है उनकी मैंने लिस्ट रखी हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स रखे हुए थे. अच्छा, अब दोनों में डाटा मैं अपडेट कर रही थी, लिस्ट के हिसाब से उनके मार्क्स अपडेट कर रही थी. जैसे ही अपडेट हो गए तो मैंने यहाँ पे सेव का बटन दबा दिया. ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने सेव का बटन दबा दिया, इकट्ठे इधर से दबाया और फिर जाके उधर से दबा दिया, लाइक एक 1 सेकेंड अपार्ट. तो अब जैसे ही इसका बनाया था तो डिस्क पे हमारे पास एक राइट का हेड क्रिएट हो गया था, राइट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया था और उसने 00 मेमोरी लोकेशन से जो है ना वो हमारा इस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करना या इसको राइट करना शुरू कर दिया. 1 सेकेंड के वक्फे से हमने इसको भी सेव प्रेस कर दिया. ठीक है, तो अब अगर इसका एक और ऑब्जेक्ट बन गया राइट का, राइट के दूसरे ऑब्जेक्ट ने देखा कि इधर 002 से जगह खाली, उसने 002 के ऊपर जो है राइट करना शुरू कर दिया. अब जो पिछला राइट का हेड था उसने रेफरेंस रखा हुआ था कि 002 से लेके 005 तक मैंने रखना है, इस इधर जगह खाली है. उसको अब ये नहीं पता कि दूसरा जो राइट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसने 002 के ऊपर डाटा राइट करना शुरू कर दिया. तो ये डाटा अब ओवरराइट हो रहा है, एक राइट का ऑब्जेक्ट उसको लिख रहा है और दूसरा राइट का ऑब्जेक्ट उसको ओवरराइट कर रहा है. ऐसी सिचुएशंस में आपके पास एक क्लास का एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. बाय कॉन्सेप्ट एक क्लास का एक से ज्यादा इंस्टेंस, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. और ये बात इन्फोर्स कराने के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि ये बात इसी तरह क्लास का इससे ऊपर ऑब्जेक्ट ना बने, हम सिंगलटन पैटर्न इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल है कि आपके पास प्रिंटर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, प्रिंट का स्पूलर एक ही होता है. ठीक है, और वो एक स्पूलर जो कलेक्ट करता है, क्यू बनाता है आपके डॉक्यूमेंट्स की, वो सारे उनको स्पूल करेगा और फिर प्रिंटर्स के ऊपर डेजिग्नेट कर देगा. ठीक है, फाइल सिस्टम का अगेन जो आपको एग्जाम्पल दे रही थी रीड राइट वाली, फाइल सिस्टम के लिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो फिर चीजें ओवर राइट होंगी, आपने कहीं और की लिखी हुई चीज कहीं और डाल रहे हैं. वन विंडो मैनेजर, आपके पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी सिंगल मैनेजर होता है. ठीक है, दो मैनेजर्स अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने शुरू कर दें तो एक ने एक फाइल खोली और दूसरे ने बंद कर दिया, ये उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत शदीद अराइज होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास सेम अमाउंट ऑफ अथॉरिटी होती है. ठीक है, एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बन रहे तो एक ही तरह के बनेंगे, सेम अमाउंट ऑफ अथॉरिटी के साथ क्रिएट होंगे, सेम अमाउंट ऑफ अथॉरिटी फिर क्लैश कर सकते हैं. ठीक है, फिर ये पॉसिबल है कि एक चीज जो एक ऑब्जेक्ट ने क्रिएट की थी वो दूसरा उसी को डिस्ट्रॉय करता है. ठीक, तो सिंगलटन पैटर्न हमें क्या इन्फोर्स करता है, सिंगलटन पैटर्न हमें क्या चीज बताता है, क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट एंड रीयूज इट, बनाओ एक ही ऑब्जेक्ट और इसको फिर जितनी बार दोबारा इस्तेमाल करना है इसी को करो. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट एक टाइम में एक से ज्यादा काम नहीं कर सकता,
एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस मर्जी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना लें, एक ऑब्जेक्ट एक टाइम में एक से ज्यादा काम नहीं कर सकता. वो पहला काम खत्म करेगा तो दूसरा काम शुरू करेगा. इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं हो सकते. विंडो हमारी हैंग भी इस वजह से हो जाती है कि जब तक प्रीवियस प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा. ठीक है, मे बी दैट वुड टेक हाफ अ मिली सेकेंड, मे बी दैट वुड टेक 5 seconds, मे बी दैट वुड टेक 5 hours, लेकिन एज लॉन्ग एज इट टेक्स, जब तक एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना काम पूरा नहीं करता, वही ऑब्जेक्ट नेक्स्ट काम नहीं शुरू कर सकता. दैट्स हाउ मेमोरी वर्क्स. ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी इस तरह की है, एक टाइम में एक टास्क रन होती है, ऑब्जेक्ट्स आगे इसी तरह के हैं, वो उसी एक टास्क को जब तक फिनिश नहीं करते नेक्स्ट को नहीं स्टार्ट करते. ठीक है, अब इसमें प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें ये हम नेस्टेड फंक्शंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, इसमें ये वाली बात नहीं आ रही कि नेस्टेड फंक्शंस नहीं चल सकते. चल सकते हैं, इवन रिकरिंग फंक्शंस चल सकते हैं. ठीक है, लेकिन उन सारों का पॉइंट ऑफ ओरिजिन सिंगल होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन डुप्लीकेट नहीं होता है. सिंगलटन सॉल्यूशन, ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कि कंसेप्चुअली इन क्लासेस का एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट अब कैसे बनाएं और कैसे इन्फोर्स करें, तो सिंगलटन पैटर्न के थ्रू कर सकते हैं. अ क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकिंग इट्स सोल इंस्टेंस. हमने सिंगलटन की एक क्लास बना ली और उस क्लास के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अपना एक सिंगल इंस्टेंस क्रिएट करो, सोल इंस्टेंस बनाओ, और फिर उस सोल इंस्टेंस या सिंगल इंस्टेंस को मैनेज भी करो कि ये कब जो है कौन से फंक्शन को कॉल दे, कौन से फंक्शन को कॉल ना दे. दिस प्रोवाइड स्टैटिक मेथड्स या फील्ड्स टू अलाउ एक्सेस टू द ओनली इंस्टेंस ऑफ द क्लास. ठीक है, अब शुरू में जब आपको बता रही थी तो उस वक्त मैंने कहा कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कैसे करें, लिख दें क्लास का नाम, लिख दें ऑब्जेक्ट का नाम, लिख दें न्यू का ऑपरेटर डाल दें, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, सिंपल एज दैट. फिर हम यूजर को कैसे कहें कि भाई दो दफा ये स्टेटमेंट ना लिखना, प्लीज दो दफा ये स्टेटमेंट ना लिखना, यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है, तो हमने इन्फोर्स करना होता है किसी ना करे. ये इन्फोर्स कैसे कर सकते हैं, जब आप स्टैटिक मेथड्स बनाते हैं, स्टैटिक फील्ड्स बनाते हैं. ठीक है, स्टैटिक, अब याद है कि स्टैटिक का क्लास के साथ कॉन्सेप्ट क्या था, क्लास के रेफरेंस से स्टैटिक मेथड्स या फील्ड्स वो होती हैं जो ऑब्जेक्ट के, हर ऑब्जेक्ट के लिए डुप्लीकेट नहीं होती, क्लास के लिए एक ही दफा बनती है. ठीक है, वो पूरी क्लास के लिए एक ही दफा बनती है, वो हर ऑब्जेक्ट के साथ डुप्लीकेट नहीं होती. और जो रेगुलर मेथड्स या फील्ड्स होती हैं वो हर ऑब्जेक्ट के साथ डुप्लीकेट होती हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी अपनी अपनी कॉपी जनरेट होती है. स्टैटिक की हर एक के लिए कॉपी नहीं बनती, ये एक ही दफा बनता है क्लास के साथ. तो अब वो एक ही दफा वाले जो मेथड्स और फील्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं कि एक ही फंक्शन, एक ही ऑब्जेक्ट बनाएं. और फिर वो जो एक ही ऑब्जेक्ट हमने बना लिया उस ऑब्जेक्ट को जितना जितना इस्तेमाल करना वो अपनी मर्जी से हम इस्तेमाल करें. ठीक है, देन वी सी के वे डू वी नीड टू यूज इट. बेनिफिट, रीयूज इम्प्लाइज बेटर परफॉर्मेंस. सिंगल ऑब्जेक्ट है, मेमोरी मैनेजमेंट अमेजिंग है, मेमोरी मैनेजमेंट अच्छी है. ठीक है, क्लास के जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं उतनी मेमोरी कंज्यूम होती है, सिंस एवरी ऑब्जेक्ट कंज्यूम्स मेमोरी, तो क्लास के जितने ज्यादा आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए होंगे उतनी ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होंगे. ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो अब हमारी मेमोरी कंजम्पशन जो है वो बेयर मिनिमम होगी, एक से ऊपर तो ऑब्जेक्ट्स है ही नहीं, तो अब हमारे जो मेमोरी वाले प्रॉब्लम्स हैं ऑल ऑफ दोज आर सॉल्व्ड. ठीक है, तो रीयूज सेम उस ऑब्जेक्ट का, दैट इम्प्लाइज बेटर परफॉर्मेंस. ठीक है, and class encapsulates code to ensure reuse of the object, no need to burden the client. ठीक है, और इस pattern का, singleton solution pattern का फायदा क्या है कि अब client के ऊपर जिम्मेदारी हमने खत्म कर दी, अब class खुद ही code create करती है, encapsulate करती है उस code को, उस जो ensure करता है reuse of object, जिस ने ऑब्जेक्ट क्रिएट भी खुद ही करना है और ये बात भी इंश्योर करनी है कि ये ऑब्जेक्ट रीयूज होएगा, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. ठीक है, तो हमारे क्लाइंट के ऊपर से बर्डन, क्लाइंट के ऊपर से प्रॉब्लम जो है वो हमने कंप्लीटली खत्म कर दी है, अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास के अंदर ही डाल दें. ठीक, तो अब इसी की एक क्लास डायग्राम देख लें. एक हमारे पास सिंगलटन पैटर्न है, सिंगलटन पैटर्न के अंदर स्टैटिक इंस्टेंस है. ठीक है, एक ही इंस्टेंस है,
सिंगलटन ऑपरेशन जो भी उसने काम करना है वो करना है और गेट सिंगलटन डाटा. ठीक है, अब इसके अंदर यूनिक इंस्टेंस हमारे पास ये क्रिएट हो गया, डाटा हमारे पास ये पड़ा. ठीक है, तो जब भी उसको चाहिए होगा हमारे पास ये जो स्टैटिक इंस्टेंस वाला फंक्शन है ये रिटर्न कर दिया करेगा किस चीज को, यूनिक इंस्टेंस को. ये जो हमारे पास पड़ा हुआ इंस्टेंस इसको रिटर्न कर दिया करेगा एवरी टाइम. तो अब इससे होगा कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, चाहिए तो यही वाला इस्तेमाल कर लें दोबारा, नया आपको मैं नहीं बनाने दूंगा. ठीक है, अनलेस के वो जो हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा था वो मेमोरी में से डिलीट हो जाता है, मेमोरी रिलीज कर देता है, फिर आप दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. लेकिन एज लॉन्ग एज के वो सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी को यूज कर रहा है तब तक हमारे पास जो है मेमोरी में दूसरा सेम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. ठीक है, अब इसकी एक कोड की थोड़ी सी एग्जाम्पल देख लीजिए. हमारे पास सिंगल सिंगलटन पैटर्न पे सिंगल ऑब्जेक्ट पे एक क्लास क्रिएट हुई हुई है जिसमें पहली चीज हमने क्या की, सिंगल ऑब्जेक्ट इंस्टेंस इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट. इसी क्लास के अंदर, क्लास के अपने अंदर हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, प्राइवेट स्टैटिक सिंगल ऑब्जेक्ट. ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट का जो नाम है, अब ये क्योंकि प्राइवेट है ये क्लास से बाहर नहीं इस्तेमाल हो सकता. ठीक है, इस क्लास सिंगल ऑब्जेक्ट क्लास, ये दिस इज द नेम ऑफ द इंस्टेंस. ठीक है, इस क्लास का प्राइवेट मेंबर है एक इंस्टेंस के नाम से. ठीक है, इक्वल्स टू न्यू सिंगल ऑब्जेक्ट. अब न्यू ऑपरेटर लग गया तो इसको इधर मेमोरी असाइन हो गई. ठीक है, अब मेक द कंस्ट्रक्ट प्राइवेट सो दैट दिस क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड. हमने जो इसका कंस्ट्रक्टर था ये सिंगल ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, क्लास के नाम से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा ना, इस कंस्ट्रक्टर को भी हमने प्राइवेट रख दिया. इसको अगर मैं पब्लिक रख दूंगी तो फिर हमारे लिए मेन में जो स्टेटमेंट हम पहले लिख रहे थे वो पॉसिबल हो जाएगी. फिर हम ये कर सकते हैं कि मेन से कहीं इस क्लास के सिंगल ऑब्जेक्ट एस वन इक्वल्स टू न्यू सिंगल ऑब्जेक्ट, फिर मेन से हम इस तरह की कोई कॉल दे सकते हैं. ये वाली चीज चल जाएगी मेन से अगर हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टर है दैट इज पब्लिक. तो हमने वो भी खत्म कर दिया, हमने कंस्ट्रक्टर को भी प्राइवेट में डाल दिया कि ये तो क्लास के बाहर से कोई कॉल कर ही नहीं सकता, सिर्फ क्लास के अंदर इस वाली स्टेटमेंट से कॉल हो सकता है, क्लास के बाहर किसी स्टेटमेंट से कॉल नहीं हो सकता. ठीक है, देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट दैट कैन कॉल इट राइट ओवर हियर इनसाइड द क्लास. ठीक, फिर हमने एक फंक्शन बनाया गेट इंस्टेंस का. अब ये पब्लिक फंक्शन है, ये मेन में किसी और क्लास में आप इस्तेमाल करेंगे तो ये पब्लिक फंक्शन है. और ये फंक्शन करता क्या है, ये इस इंस्टेंस को रिटर्न कर देता है. ठीक है, रेफरेंस रिटर्न कर देता है इस इंस्टेंस का. ठीक है, फिर क्लास के अंदर एक रेगुलर शो हेलो वर्ल्ड वाला फंक्शन हमने बना लिया. अब मेन में हमने क्या किया कि मेन में अगर आप ये वाली स्टेटमेंट लिखे नहीं चलेगी, कंस्ट्रक्टर नहीं उठाएगा, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट में. ठीक है, तो कंपाइलर फौरन से आपको एरर देगा कि हम कंस्ट्रक्टर नहीं एक्सेस कर सकते, तो कंस्ट्रक्टर इज नॉट विजिबल, इसका कंस्ट्रक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहां से मेन में से क्रिएट नहीं कर सकता. ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा क्रिएट नहीं कर सकते तो जो उसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो ही रिटर्न कर दो. ठीक है, क्लास का नाम एक ऑब्जेक्ट, अब इक्वल्स टू न्यू नहीं आया. ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि जो हमारे पास ये लगता था न्यू, रादर अगेन क्लास का नाम डॉट फंक्शन का नाम. ठीक है, तो ये फॉर्मेट या सिंटैक्स याद है, ये हम कहाँ लगाते थे क्लास का नाम और फंक्शन का नाम, जब फंक्शन हमारे पास स्टैटिक हो. ठीक है, जब फंक्शन हमारे पास स्टैटिक हो तो ऑब्जेक्ट हो या ना हो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होता है क्योंकि वो क्लास के साथ एसोसिएटेड होता है. तो ये फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये क्लास के साथ एसोसिएटेड है, तो ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर देगा. और उसमें हमने कौन सी वैल्यू उसको रिटर्न करने को कहा है, हमने उसको इंस्टेंस रिटर्न करने को कहा है, हमने उसको ये रिटर्न करने को कहा. तो ये वाला इंस्टेंस वो उठा के जो है हमारे ऑब्जेक्ट को दे देगा. अब आप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से शो मैसेज का फंक्शन कॉल करा सकते हैं. ठीक है, अब इस करंट सिनेरियो में जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ये उसी इंस्टेंस को इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने यहाँ पे बनाया था. तो अब आप इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से अपना ये वाला फंक्शन शो मैसेज वाला फंक्शन आराम से कॉल कर सकते हैं और इसको जहां मर्जी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं.
ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आप यही वाली स्टेटमेंट ये सेकेंड टाइम लिख देंगे तो भी जो इसके पास चीज आएगी, जो रेफरेंस आएगा इंस्टेंस का, वो सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लास के अंदर मल्टीपल लिंक क्रिएट किए, क्लास के अंदर एक ही इंस्टेंस है, और जब जब इस फंक्शन को कॉल करोगे ये वो एक ही बात आपको दोबारा सुना देगा, वो एक ही बात आपको दोबारा रिटर्न कर देगा। ठीक, जो आज का दूसरा डिजाइन पैटर्न मेरे पास है, दैट इज द बिल्डर डिजाइन पैटर्न। ठीक है, अब आई होप सिंगलटन आपको पसंद आया। सिंगलटन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कॉमनली, तो ठीक है, तो इसकी आपको बहुत ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। हमारे अपने फाइल सिस्टम्स में होता है, डिस्क ड्राइवर्स में होता है, प्रिंटर्स में होता है, स्पूलर्स में होता है, फाइल शेयरिंग उसके अंदर होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होता है, तो ये बहुत सारी जगह पे होता है जहाँ पे हम जानबूझ के सिंगल इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज करे। ठीक है, अब ये क्रिएशनल पैटर्न क्यों है? क्योंकि इसने एक चीज इन्फोर्स की है, एक बात इसने इन्फोर्स की, और वो कौन सी बात? ऑब्जेक्ट कितने बनाने हैं, कहाँ बनाना है, क्लास के अंदर बनाना है, कैसे बनाना है, रेफरेंसेस के थ्रू, न्यू के थ्रू, एक्सेस कहाँ करना है, कैसे करना है, ये चीजें इसने इन्फोर्स की। स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसमें, ये नहीं था कि एक प्री एग्जिस्टिंग है और एक नया आ रहा है और इन दोनों की कम्युनिकेशन होगी, इनका इंटरफेस होगा। नो, नहीं हो सकता है कि ये किसी प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर नई क्लास हमने बनाई हो, मे बी हो सकता है कि ये अभी मैं सिस्टम डेवलप कर रही हूँ और उसके अंदर मैंने सिंगलटन की क्लास बनाई हो, फाइन। सिंगलटन को और किसी चीज से कंसर्न नहीं है, नया सिस्टम पुराने के अंदर मॉडिफिकेशन नॉट अ प्रॉब्लम। सिंगलटन को सिर्फ एक बात से कंसर्न है, इस क्लास का एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये क्लास जो है ये क्रिएशनल पैटर्न्स की टाइप है, तो क्रिएशनल पैटर्न्स इन्फोर्स करते हैं ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा। दैट्स वाई कि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन दिया हुआ है कि क्लास का ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। अब इसी को दिमाग में रख के कि ऑब्जेक्ट्स किधर करने हैं, क्रिएट करने हैं, किधर नहीं करने, बिल्डर पैटर्न को पढ़ते हैं। अब ये एग्जाम्पल देख लो, आप मैकडोनल्ड्स चले गए, ठीक है, मैकडोनल्ड्स जाके आपने जो है वो हैप्पी मील ऑर्डर कर लिया, ठीक है, आप कस्टमर या क्लाइंट है, आपने कहा कि हैप्पी मील दे दो। अच्छा, अब कैशियर ने कहा कि ओके फाइन, जो भी वहाँ जो आपका वो ऑर्डर ले रहा था उसने कहा कि ठीक है फाइन, हम हैप्पी मील आपको बता देते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दो कि आपको बर्गर्स चाहिए या चिकन नगेट्स चाहिए? आपने कहा कि बर्गर चाहिए, उसने कहा ओके ठीक है। उसने कहा अच्छा, अब ड्रिंक मुझे बता दो कि ड्रिंक में आपको पेप्सी चाहिए या सेवन अप चाहिए? आपने कहा कि अच्छा पेप्सी चाहिए, उसने कहा चलो फाइन पेप्सी कर दी। फिर उसने कहा कि इसके साथ एक स्वीट मिलती है, तो आप ये बता दो कि आपको डोनट चाहिए या आपको पेस्ट्री चाहिए? आपने कहा कि डोनट चाहिए, उसने कहा ठीक है डोनट भी हो गया। फिर उसने ये कहा कि इसके साथ कोई ना कोई टॉय मिलता, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको टॉय कौन सा चाहिए? ठीक है, आपको एक कार चाहिए या आपको एक वॉच चाहिए, आपको कौन सा टॉय चाहिए? अगेन आपने अपनी प्रेफरेंस दे दी कि चलो मुझे कार ही दे दो, उसने कार आपको अटैच करके दे दी। इन सारी चीजों को मिला के उसने एक फाइनल मील क्रिएट कर लिया, मील क्रिएट कर लिया, तो ये मील जो है अब वो आपने रिसीव कर लिया। नेक्स्ट टाइम आप गए उसी कैशियर के पास, उसी के पास, उसी स्टेशन पे, आपने फिर यही कहा कि मुझे किड्स मील चाहिए, ठीक है, उसने फिर आपसे यही सीक्वेंस पूछा, मुझे बताएं कि आपको नगेट्स चाहिए या बर्गर चाहिए? अब क्या आपने कह दिया नगेट्स चाहिए? फाइन, पेप्सी चाहिए या सेवन अप? सेवन अप चाहिए, ठीक है, डोनट चाहिए? नहीं, आज पेस्ट्री खाने, पेस्ट्री चाहिए, ठीक है, गाड़ी चाहिए? घड़ी चाहिए? घड़ी चाहिए। दिस इज आइडेंटिकल, ये इंफॉर्मेशन वो आपसे हर बार रिक्वायर करेगा, वेदर यू नीड पहले आपका जो मेन मील होता है उसकी इंफॉर्मेशन, फिर ड्रिंक की इंफॉर्मेशन, फिर कोई स्वीट की इंफॉर्मेशन, फिर कोई टॉय की इंफॉर्मेशन, दैट रिमेन्स आइडेंटिकल। ये इसी सीक्वेंस में पूछेगा और हर बार पूछेगा। एंड प्रोडक्ट्स फर्क है, पिछली बार तो मुझे बर्गर और कोक और डोनट मिला था, और इस बार जो है मेरे पास चिकन नगेट और सेवन अप ऑफ पेस्ट्री है, तो दे आर प्रिटी डिफरेंट। आपका मकसद भी ये था कि उस दिन कुछ और खाया था, आज कुछ और खाना है, तो दे आर प्रिटी डिफरेंट, ठीक। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन का मेथड था मेकिंग इट,
वो चार ऑप्शंस, वो चार सवाल, दोज आर आइडेंटिकल, दैट स्टेट सेम. जब भी आप ईमेल लेने जाएंगे ये चार सवाल इसी तरह पूछे जाएंगे, लेकिन इसका एंड रिजल्ट हर बार फर्क हो सकता है. कभी आप डोनट खाएंगे और बर्गर के साथ खा लेंगे, कभी आप डोनट जो है वो नगेट्स के साथ खा लेंगे. तो जितनी ऑप्शंस अवेलेबल है उन ऑप्शंस में से आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं चीजों का, ठीक है. चेंज क्या होगा? एंड रिजल्ट. तो बिल्डअप एंट्रेंट क्या करता है? सेपरेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन सो दैट द सेम कंस्ट्रक्शन कैन क्रिएट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. हमने सेपरेट कर दिया इसके कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप के साथ ये गुजरेगा, ये हमने एक बार क्लेरिफाई करके ये चीज एक जगह लिख ली, हमने सेपरेटली ये एक जगह पे प्लेस कर लिया, ठीक है. किस से सेपरेट किया? उसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन से, उसके एक्चुअल रिजल्ट से जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. ऑब्जेक्ट जो फाइनल हमारे पास उसकी जो शक्ल बनती है, दैट मे बी डिफरेंट, वो हमारे ऑप्शन या चॉइसेस पे डिपेंड करेगा, लेकिन दिस इज आइडेंटिकल, ठीक है. सो दैट, क्योंकि किस लिए ये काम हम कर रहे हैं, सो दैट द सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैन क्रिएट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, ताकि सेम ही प्रोसेस से हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन या डिफरेंट एंड प्रोडक्ट क्रिएट कर लें. ये इसकी एक जनरल सी क्लास डायग्राम है, ठीक है. बिल्डर पैटर्न के अंदर क्या है कि एक आपके पास डायरेक्टर है, ठीक है, एक डायरेक्टर की क्लास है जिसने कंस्ट्रक्ट करनी है चीजें, ठीक है. एक हमारे पास बिल्डर की क्लास है, ठीक है, जिसने कोई ना कोई पार्ट बिल्ड करना है, और फिर आपके पास कंक्रीट बिल्डर है जिसने पार्ट बिल्ड करना है और रिजल्ट्स गेट करना है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट निकलता है वो हमारे पास निकलता है प्रोडक्ट. डायरेक्टर क्या करता है, वो बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर होल्ड करता है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से बता देता है कि मुझे पार्ट बिल्ड कर दो, ये वाला ये वाला ये वाला, ये पूछ दो, ये बिल्ड कर दो, कि मेन मील कौन सा चाहिए, ड्रिंक कौन सी चाहिए, और स्वीट कौन सी चाहिए, और टॉय कौन सी चाहिए, ये चार पार्ट्स मुझे बिल्ड कर दो, ठीक है. फिर जैसे ही उसने कहा कि मेन मील में मुझे बर्गर चाहिए, तो अब बर्गर को बिल्ड करने का तरीका फर्क है. वो हम किसी आपने डिफरेंट शेफ को कहा कि तुमने बर्गर बनाना है, बना दो, और अगर उसी मेन मील में उसने ऑप्शन नगेट्स की दे दिए, तो वो अब बनाने का तरीका कोई और है. तो हमने किसी और क्लास को बुलाया कि अब नगेट्स बनाने हैं, तो अब किसी और क्लास के फंक्शन एक्चुअली रन होना है, किसी और क्लास ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, ठीक है. अगेन सेकेंड थर्ड एंड सबके लिए इसी तरह है. जब आपने ड्रिंक्स बनानी है डिफरेंट वो होंगे, जब आपने कोई स्वीट बनानी है डिफरेंट वो होगी, डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, डिफरेंट प्रोसेसेस से रन होंगे चीजें बनानी. तो ये तो सिमिलर होगा, ये आपको रिक्वेस्ट करेगा मेक दिस, ठीक है. इट वुड टेल यू मेक द सेंट्रल मील, मेक द मेन मील. अब अगर वो नगेट्स है तो इधर आ जाओ, और अगर वो बर्गर है तो उधर चले जाओ, ठीक है. तो ये इसका ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है, और फिर इनहेरिटेंस में हमारे पास कॉन्क्रीट बिल्डर्स हैं, और ये कॉन्क्रीट बिल्डर्स डिसाइड होंगे बाद में कि किस टाइम पे कौन से ने चलना है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास यूजर्स की इनपुट क्या आए, ठीक है. यूजर की इनपुट की बेसिस पे ये चीज डिसाइड होगी कि वेदर इस प्रोसेस ने चलना है या इसने चलना है, इस ऑब्जेक्ट का काम है या उस ऑब्जेक्ट का काम है, ठीक है. तो अब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये डायनेमिक हो गई, ठीक है, ये रन टाइम पे डिसाइड हो रही है हमारे. अब इसी की एक थोड़ी सी फर्दर डिटेल्ड एग्जांपल चेक कर लें कि एक हमारे पास बिल्डर की क्लास है जिसके अंदर हमने व्हीकल बिल्डर ले लिया. दिस स्पेसिफाइज एन एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस फॉर क्रिएटिव पार्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. ये भी इंटरफेस क्रिएट कर रहा है, जिस तरह आपकी इस वाली क्लास के अंदर है ना, ये एग्जैक्टली वही वाला काम कर रहा है. अब इसका बस पूरा नाम व्हीकल बिल्डर है, ठीक है. फिर हमारे पास कंक्रीट बिल्डर है. कंक्रीट बिल्डर्स के अंदर जो है तीन क्लासेस हैं, मोटरसाइकिल बिल्डर, कार बिल्डर और स्कूटर बिल्डर. तीन तरह की चीजें हम बना सकते हैं, मोटरसाइकिल, कार और स्कूटर. एंड दीज कंस्ट्रक्ट एंड असेंबल पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग द बिल्डिंग इंटरफेस. जो हमारे पास बिल्डर का इंटरफेस था, ये वाली जो चीज थी उसी की इम्प्लीमेंटेशन देकर ये एक्चुअल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है. तो दीज थ्री क्लासेस create the actual product, and how do they do that? These provide the implementation of the this interface, theek hai. And
दिस डिफाइंस एंड कीप ट्रैक्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इट क्रिएट्स. ठीक है, अब अगेन कॉन्क्रीट बिल्डर वाली जो क्लासेस हैं वो जो रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है उनका ट्रैक कीप करना है, उनके जो फॉर्मेट उनकी जो शक्ल निकलेगी उसका जो फंक्शन लिखना है, जो उसका प्रोसेस क्रिएट करना है वो इन क्लासेस के अंदर दिया हुआ है. वो हमारी आपसे क्लास के अंदर डिटेल नहीं दी हुई, वो इन क्लासेस के अंदर दी हुई है. ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर रिट्रीविंग द प्रोडक्ट. ठीक है, और जो जो प्रोडक्ट की फाइनल फॉर्म निकलती है उसकी इंफॉर्मेशन आपको इधर से पता चल जाएगी. दिस क्लास लुक्स लाइक द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, जो इसमें अब मोटरसाइकिल वाली मोटरसाइकिल बिल्डर वाली क्लास जो है दैट वुड लुक लाइक अ मोटरसाइकिल. जो 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 मोटरसाइकिल का रिजल्ट निकलता है ना, इस क्लास की प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट निकलता है दैट वुड बी सिमिलर एज दिस वन. इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर रिट्रीविंग द प्रोडक्ट. जो 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 प्रोडक्ट आपके पास एक्सट्रैक्ट होना है वो इधर से होना है. ये उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन करके आपको देगी. ठीक है, फिर आपके पास डायरेक्टर है, जो हमारे पास शॉप होगी दैट कंस्ट्रक्ट्स एन ऑब्जेक्ट. जो कमांड जारी कर देते हैं कि एक ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो मुझे क्रिएट करके दें. एंड देयर इज प्रोडक्ट या व्हीकल इन इटसेल्फ. दिस रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन. ठीक है, ये वो ऑब्जेक्ट है जो हम बना रहे हैं. कंक्रीट बिल्डर बिल्ड्स द प्रोडक्ट्स इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एंड डिफाइंस द प्रोसेस बाय व्हिच इट इज असेंबल्ड. ठीक है, कंक्रीट बिल्डर बता देगा कि प्रोडक्ट जो है उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होगी और ये वो प्रोसेस भी बता देगा जिससे ये असेंबल होता. ठीक है, एंड दिस इंक्लूड्स क्लासेस दैट डिफाइन द कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स इंक्लूडिंग इंटरफेस फॉर असेंबलिंग द पार्ट्स इनटू द फाइनल रिजल्ट. ठीक है, फिर इसके अंदर वो क्लासेस हमारे प्रोडक्ट के अंदर वो वाली क्लासेस आ जाएंगी कि जिनसे हमने एक्चुअल जो है असेंबलिंग करनी है पार्ट्स की अपना फाइनल रिजल्ट क्रिएट करने के लिए. इसी की इम्प्लीमेंटेशन देख लें. अच्छा, अब क्लैरिफाई करती जाऊँ इन केस के आपने नोटिस नहीं किया कि ये वाली सारी इम्प्लीमेंटेशन जावा के साथ है. ठीक है, ये C++ के साथ नहीं है और ये सारी की सारी मैंने खुद क्रिएट भी नहीं की है. इसका वेब रेफरेंस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट से ली हुई है. ठीक है, जो आपको कोड्स मैं स्लाइड्स के अंदर दिखा रही हूँ दीज आर नॉट माई ओन कोड्स. ये इसका रेफरेंस आपको दे दूंगी, ये वेब से ली हुई सारी है. मेन के अंदर हमने क्या किया, व्हीकल बिल्डर अपनी क्लास जो है उसका एक बिल्डर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया. ठीक है, अच्छा अब इस बिल्डर ऑब्जेक्ट ने करना था कमांड देनी थी अपनी कॉन्क्रीट क्लासेस को प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए. ठीक है, शॉप का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया न्यू शॉप. अब शॉप ने जो है बिल्डर ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उस पर हमने स्कूटर बिल्डर के थ्रू उसको स्टार्ट करा लिया. ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि इसके पास जो स्कूटर बिल्डर वाली चाइल्ड क्लास थी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ. ठीक है, शॉप डॉट कंस्ट्रक्ट बिल्डर इसने इस फंक्शन को कॉल दी. ठीक है, तो हमारी डायरेक्टर वाली क्लास से या शॉप वाली क्लास से कमांड पास हुई हमारी बिल्डर वाली क्लास में. और क्योंकि बिल्डर का ऑब्जेक्ट एक्चुअली हमारी स्कूटर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है तो वो रीडायरेक्ट हो गया इधर से इधर तक. ठीक है, फिर हमने कहा व्हीकल डॉट शो. तो अच्छा, अब इस फर्दर इसकी डिटेल आगे देखने से पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, बिल्डर वाली क्लास में क्या है और स्कूटर वाली क्लास में क्या है, फिर वापस आते हैं इसी के ऊपर. अब शॉप वाली क्लास में क्या था, कंस्ट्रक्ट प्रोसेस जैसे ही कॉल होता है तो कंस्ट्रक्ट प्रोसेस बिल्डर वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट उठाता है और उसके हिसाब से बिल्ड फ्रेम कर देता है, बिल्ड इंजन, बिल्ड व्हील, बिल्ड डोर्स. गाड़ियां बना रहे हैं, व्हीकल्स बना रहे हैं, तो उनके हिसाब से आपको फ्रेम बनाना पड़ेगा, इंजन बनाना पड़ेगा, पहिए बनाने पड़ेंगे, दरवाजे बनाने पड़ेंगे. ठीक है, जो व्हीकल बिल्डर वाली क्लास है जिसका रेफरेंस इधर इस्तेमाल हो रहा है वो क्या करता है कि उसके अंदर यही वाले फंक्शन पड़े हुए लेकिन एब्स्ट्रैक्ट पड़े हुए. ये तो फंक्शन की कॉल्स है ना, डॉट ऑपरेटर के साथ आ रही है, तो ये तो फंक्शन की कॉल्स है, तो उन फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन ये पड़ी हुई है. ठीक है, प्रोटोटाइप्स एक्चुअली डेफिनेशन इधर भी हैं, बिल्ड फ्रेम, बिल्ड इंजन, बिल्ड व्हील, बिल्ड डोर्स. ठीक है, तो वहां से वो कॉल देता है इसको और इसको रेफरेंस से बिल्ड फ्रेम को कॉल कर लेता है. ठीक है, ये यहाँ से आता है बिल्ड फ्रेम पे. अब बिल्ड फ्रेम यहाँ पे भी खाली है. ठीक है, यहाँ पे भी खाली है, तो इसकी एक्चुअल डिटेल क्या है, मोटरसाइकिल बिल्डर क्लास के अंदर. ठीक है, मोटरसाइकिल के अंदर, कार बिल्डर के अंदर, स्कूटर के अंदर. मोटरसाइकिल वाली अब क्लास क्या करती है, अब इसके अंदर जो हमारी बिल्ड फ्रेम ये रहा
उसने क्या किया कि फ्रेम क्रिएट करता हूँ मोटरसाइकिल का, जैसे फ्रेम क्रिएट करना था उस पर, ठीक है। इंजन की बात आएगी 500 cc का इंजन क्रिएट करता हूँ। व्हील्स की बात आएगी, टू व्हीलर है, दरवाजे बनाने ही नहीं है, मोटरसाइकिल है ना, दरवाजे तो बनाने ही है। इसी तरह कार बिल्डर पे आया, ठीक है, कार का फ्रेम क्रिएट कर दो, अब उसका स्ट्रक्चर कोई और बनेगा कि आपके सेंट्रल कोई इंजन की जगह होगी, फिर कोई सेंट्रल लोकेशन होगी, कोई डिग्गी आपकी चाहिए। इंजन की बात होगी, 2500 cc का इंजन डाल दो, ठीक है, चार इसके दरवाजे होंगे, चार इसके व्हील्स होंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही इस वाले फ्रेम को कॉल जाती है तो ये चेक करता है कि ये कौन से ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये पहली उसमें स्कूटर के रेफरेंस से बना हुआ था, दूसरी में कार बिल्डर के रेफरेंस से बना हुआ है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इधर इधर से आगे चलते हैं, कार बिल्डर के रेफरेंस से बना हुआ है, इसको कॉल दी इसने बिल्डर ने और इसने कहा कि जाके कंस्ट्रक्ट कर दो। कंस्ट्रक्ट पे आया, कंस्ट्रक्ट पे उसने जाके कहा कि बिल्ड फ्रेम करो। बिल्ड फ्रेम ने पूछा कि अच्छा मेरे पास तो डिटेल नहीं है, मैं किसके पास जाके ढूंढूं। उसने कहा कि जाके कार वाले फंक्शन के पास ढूंढो। ये इस वाली क्लास के ऊपर आ गया और इसने आके बिल्ड फ्रेम की कमांड यहाँ आके चला दी। फिर वापस गया स्टेज पे और उसने कहा कि अब जाके बिल्ड इंजन चलाओ। बिल्ड इंजन पे फिर उसने जाके पूछा, मेरे पास तो डेफिनेशन नहीं है, किधर जाना। उसने कहा कार वाली क्लास के पास जाना, और कार वाली क्लास के पास जाके इंजन चला दिया। तो इसी तरह सारे फंक्शंस जो हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हैं, वो वन बाय वन करके डिफरेंट सिनेरियोस के साथ इम्प्लीमेंट कर दिए, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर ने किस टाइम पे गाड़ी मांगी थी, किस टाइम पे स्कूटर मांगा था, किस टाइम पे बाइक मांगी थी। तो उस पर डिपेंड करता है कि आगे से कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्रिएट करना, ठीक। तो ये बिल्डर का काम है कि चाहे आपको गाड़ी बनानी होगी, चाहे आपको स्कूटर बनाना होगा, कुछ भी बनाना पड़ा होगा, तो ये चार काम तो आपको करने पड़ेंगे। ये चार काम एक जगह लाके रख लिए और ये इसी सीक्वेंस में चलाएं, ये इसी सीक्वेंस में रन किए, इनको इसी सीक्वेंस में फंक्शन की कॉल दी, लेकिन चारों की डिटेल या नहीं डाली। कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस, दिस इज व्हाट वी मेंट बाय सेपरेटिंग द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन विद इट्स रिप्रेजेंटेशन। कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस हमने ये डाल दिया, ठीक है, हमने ये फंक्शंस डाल दिए, हमने उन फंक्शंस को इसी तरतीब में कॉल ले दी है, अब ये इसी तरह चलेंगे, लेकिन इसकी डिटेल्स कहीं और है, किसी और फंक्शन के अंदर लिखी है, ठीक है। अब इसकी डिटेल्स जो है वो अलग अलग क्लासेस के अंदर दी है और उन क्लासेस के अंदर ये कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही, क्लासेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्लासेस ने ये चीज़ें मेंटेन करनी है, क्लासेस ने इनका रेफरेंस रखना है, क्लासेस ने ये चीज़ें मेंटेन करनी है। फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो उस शक्ल का बनेगा जिस शक्ल की हमारे पास ये कॉन्क्रीट क्लासेस है, ठीक हो गया। तो दैट वॉज ऑल अबाउट द बिल्डर प्रोसेस। अब इसमें यही देखते हैं रन टाइम पे, जैसे हमारे सिंगलटन प्रोसेस था वो भी ऑब्जेक्ट की क्रिएशन से ताल्लुक रखता था, और जो हमारा बिल्डर है ये भी ऑब्जेक्ट की क्रिएशन से ताल्लुक रखता है। सिंगलटन में ये हो रहा है कि हमारे पास रन टाइम वाला चक्कर नहीं है, ऑब्जेक्ट जब भी बनाएंगे आप उसका, यूजर के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो वो सिंगलटन ही बनेगा, वो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन बिल्डर में है कि यूजर की मर्जी है कि आइदर वो स्कूटर वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा या कार वाला करेगा या कोई और वाला करेगा, ठीक है। वहां यूजर की चॉइस आ रही है इसके बीच में, यूजर की ऑप्शंस की बेसिस पे हमारी कौन सी क्लास का कौन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये उसकी ऑप्शंस पे। तो दैट इज रन टाइम, दैट इज डायनामिक, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट लेवल का पैटर्न है, ठीक है। इसके साथ ही हम अपना आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स को स्टडी किया, ठीक है। पहले तो हमने क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स इन देमसेल्व्स की डेफिनेशन देखी, कैसे किसको है क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स, उन पैटर्न्स को जो डायरेक्टली कंसर्न्ड हों विद ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन को किसी न किसी तरह इन्फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें हमने देखा कि क्लास लेवल पे कैसे होता है, इनहेरिटेंस के साथ होता है, और ऑब्जेक्ट लेवल पे किस तरह होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन की, ठीक है। फिर इसमें हमने देखे सिंगलटन पैटर्न और हमने देखा बिल्डर पैटर्न, ठीक है।
सिंगलटन पैटर्न में क्या हुआ कि हमने एक इस तरह की क्लास बनाई जिस क्लास का एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता. एवरी टाइम दैट क्लास इज क्रिएटेड, उस क्लास का मकसद ये है इसका एक से ज्यादा इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना. ठीक है, तो इट्स लाइक जरूरी है, जैसे हमारे प्रिंटर्स वाली हैं या फाइल सिस्टम्स में, उसमें जरूरी ही यह है कि क्लास का एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट ना हो. एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, सो देयर मस्ट नॉट बी मोर देन वन ऑब्जेक्ट. ठीक हो गई बात. तो सिंगलटन क्या करती है, इन्फोर्स करती है कि क्लास का एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट ना हो. ये इन्फोर्स कैसे करती है, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करके, क्लास के अंदर इंस्टेंस क्रिएट करके, क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट बना लिया, और क्लास से बाहर इंस्टेंस का रेफरेंस प्रोवाइड करके. आउटसाइड द क्लास सिर्फ रेफरेंस दिया हुआ है, इनसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हुआ है, इनसाइड द क्लास हमने प्राइवेट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डाला हुआ है. ठीक है, तो अब मेन में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, लेकिन जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस इस्तेमाल हो सकता है. दूसरा हमारे पास था बिल्डर पैटर्न. बिल्डर पैटर्न का मकसद क्या है, अभी भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन सही है, लेकिन मकसद क्या है कि हमने कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस उसकी रिप्रेजेंटेशन से अलग करते हैं. कंस्ट्रक्शन जिस जिस प्रोडक्ट के लिए सिमिलर है हमने एक जगह पे प्लेस कर दी. ठीक है, और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो एक्सेल फाइनल प्रोडक्ट है, वो हमने सेपरेट कर दी. ठीक है, नाउ बाद में ये डिसाइड होता है डिपेंडिंग अपॉन यूजर वैल्यूज, यूजर रिक्वेस्ट्स, के हमारे पास जो सब क्लासेस हैं या जो हमारे पास चाइल्ड क्लासेस हैं, उन चाइल्ड क्लासेस में से कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्रिएट होगा. ठीक है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होके फिर किस तरह की एक्चुअल फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आएगी. ठीक है, क्योंकि जो कॉन्क्रीट क्लासेस हैं, कॉन्क्रीट क्लासेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई है, कॉन्क्रीट क्लासेस के अंदर एक्चुअली वो फंक्शंस लिखे हुए हैं जो फंक्शंस हमने परफॉर्म करने हैं. तो कौन सी कॉन्क्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ये फिर डिटर्मिन करता है कि आपके पास प्रोडक्ट की फाइनल रिप्रेजेंटेशन क्या आती है. ठीक है, तो प्लीज डू रिवाइज दीज. ये साथ साथ लेक्चर के आप देखते रहे होंगे कि दीज आर नॉट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ये इन कॉन्सेप्ट भी आसान है, इन इम्प्लीमेंटेशन भी आसान है, लेकिन आपका काम यह है कि इनको साथ साथ करते रहें. एंड के लिए कलेक्शन नहीं बनाए, साथ साथ करते रहेंगे तो होते जाएंगे. एंड इम्प्लीमेंट दीज. ठीक है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ कोड तो मैं आपको लेक्चर्स के साथ भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो जो जो पैटर्न कम अज कम हमने डिटेल में देखे हैं उन पैटर्न को जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए. ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल नेक्स्ट टाइम, और फिर इंशाल्लाह वील कंटिन्यू विद more of these design patterns. Thank you so much.